दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि इजराइल और फिलिस्तीन वॉर में नेतन्याहू की गिरफ्तारी किसी भी वक्त की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक गाजा के अंदर जिस तरीके से लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, कैसे उनको मारा गया है, निर्दोषों को टारगेट किया गया है, खासकर बच्चों को निशाना बनाया गया है, और वहाँ पर जो हालात पैदा हुए हैं वो आप सभी जानते हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। दुनिया भर में गाजा को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी मैंने आपको कई महीने पहले एक खबर दिखाई थी कि इंटरनेशनल कोर्ट में नेतन्याहू के खिलाफ जो है केस दाखिल किया गया था कि कैसे नेतन्याहू जो है वो निर्दोष लोगों की जान ले रहा है, जेनोसाइड कर रहा है, नरसंहार जो है वो किया जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर खबर निकल कर सामने आई है दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट के हवाले से, कि इंटरनेशनल जो कोर्ट है वो नेतन्याहू की गिरफ्तारी को लेकर जो है दबाव बनाया जा रहा है। जैसे जैसे कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान क्या कुछ निकल कर सामने आया दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहूँगी जो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर जमकर लोगों के ज़रिए शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि कैसे इंटरनेशनल कोर्ट के ज़रिए नेतन्याहू पर एक्शन लेने की बात की गई है। न्यूज़ 24 के हवाले से खबर निकल कर सामने आई है, कहा जा रहा है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू की हो सकती है गिरफ्तारी, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय जारी कर सकता है किसी भी वक्त गिरफ्तारी वारंट। अमेरिका ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। सोचिए, अमेरिका ने धमकी तक दे दिया है कि अगर नेतन्याहू उनके साथी को कुछ किया तो फिर वो अंजाम भुगतेगा। लेकिन कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है, नेतन्याहू के लिए जो वारंट है वो जारी किया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो मुकर्रर की जाएगी। कल ही मैंने आपको खबर दिखाया था दोस्तों कि कैसे, जी हाँ, कैसे हॉगवर्ड के अंदर, हॉगवर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जो है फिलिस्तीन का झंडा फहरा दिया गया। वहाँ पर भी जमकर विरोध हो रहा है, अमेरिका के लोग भी अपनी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध करते हुए नज़र आए हैं। और देख ही लिया था आपने कि कैसे अमेरिका झंडा की जगह पर फिलिस्तीनी झंडा जो है लोगों के ज़रिए डाल दिया गया, लगा दिया गया कि वहाँ पर जो हमले हो रहे हैं, जो युद्ध हो रहा है उसको रोक दिया जाए, नहीं तो और ज़्यादा प्रदर्शन जो है वो उग्र अमेरिका के अंदर होता हुआ नज़र आएगा। इस वक्त बाइडेन के साथ साथ नेतन्याहू की भी मुश्किल बढ़ी हुई है, क्योंकि नेतन्याहू जिस तरीके के फैसले लेते हुए नज़र आए हैं उस फैसले से इजराइल की जो लोग हैं वो भी खुश नज़र नहीं आ रहे, इजरायली सैनिक भी इस्तीफा दे रहे हैं। तो हालत ये हो गया है दोस्तों कि इंटरनेशनल कोर्ट में मामला जाने के बाद गिरफ्तारी वारंट तक पहुँच गया है, कभी भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है और इस पूरे मामले में नेतन्याहू की गिरफ्तारी हो सकती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।